हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग एडवांस सर्वे के एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है एरियल सर्वे। एक्चुअली एरियल सर्वे जानने से पहले, उसके डिफिनेशन को जानने के पहले हम लोग बात करेंगे कि एरियल सर्वे का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से एरियल सर्वे आता है। तो एरियल सर्वे का जो ओरिजिन है वो है फोटोग्रामेट्री। एक्चुअली सर्वेइंग का ही एक पार्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। फोटोग्रामेट्री क्या होता है, जब हम लोग जानते हैं कि सर्वे का जो एम होता है वो क्या होता है, टू प्रिपेयर ए मैप, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मैप को। सो अगर आप पूरे एक फील्ड का या फिर एक स्टेट का मैप प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसमें रोड रोड का अगर सपोज रोड मैप अगर तैयार कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि रोड रोड किस तरीके से किस किस डायरेक्शन में गई है, वो सारा हमको क्या मिल जाता है, मैप मिल जाता है। तो अगर आप कभी सोचें कि अगर हम ऊपर से फ़ोटो खींचे, अगर ऊपर से आप ग्राउंड का फ़ोटो खींचे, तो आपको क्या उस टाइप का मैप बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा, बट उसमें पूरा मैप तो नहीं बोल सकते, बट उसमें हम लोग क्या मिलेगा, ओवरव्यू दिख जाएगा कि रोड किस साइड से जा रही है, किधर से मुड़ रही है, किधर से स्ट्रेट है, ये आपको ऊपर ओवरव्यू मिल जाएगा। वहीं से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है फोटोग्रामेट्री का। फोटोग्रामेट्री मतलब क्या होता है कि आप फोटो खींच के उसके ज्योमेट्री को स्टडी करके क्या प्रिपेयर करें, मैप प्रिपेयर करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री सर्वे बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फोटोग्रामेट्री का जो नाम है वो खुद ही तीन वर्ड से कट के बना है, फोटो ग्रामा एंड मेट्री। ये ग्रीक वर्ड है जो कि फोटो ग्रामा और मेट्री से मिलके बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ग्रामा का मतलब होता है ड्रॉ करना, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। एक्चुअली ये मेट्री नहीं होकर मेट्रॉन होता है, ठीक है। सो ये जो है मतलब कि फोटो में क्या होगा, ड्रॉ होगा, और उससे आप लोग क्या करेंगे, मेजर करके हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। अब जो है फोटोग्रामेट्री दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को हम लोग एरियल एरियल फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। एरियल फोटोग्रामेट्री बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरियल सर्वे भी बोल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। टेरेस्ट्रियल का स्पेलिंग होता है TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल सर्वे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल सर्वे होता क्या है। अगर आप फोटो खींचते हैं, यहाँ पे फोटोग्रामेट्री में हम लोग क्या समझे कि आपको क्या करना है, ग्राउंड का फोटो खींचना है, और उस फोटो को स्टडी करके आपको क्या करना है, मैप प्रिपेयर करना है। उस फोटो पे हम लोग सारा एनालाइज करते हैं, उसका स्केलिंग करते हैं, उसके डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, एक मैप प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो फोटो खींचना है, ये हम दो तरीके से खींचते हैं। एक हम ग्राउंड के नज़दीक जाके खींच सकते हैं, ऑन द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड, तो हम फोटो खींच सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप व्यू ले सकते हैं। तो अगर ऑन द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड, अगर आप क्या बोल रहे हैं, ऑन द ग्राउंड या फिर नियर द ग्राउंड अगर हम बात करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल सर्वे या टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। अगर आप फोटो कहाँ से खींच रहे हैं, ऑन द ग्राउंड या नियर द ग्राउंड आप खींच रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल सर्वे या फिर टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बात जो करने वाले हैं वो हम लोग एरियल सर्वे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री यहाँ पे पार्ट है, इसलिए हम आपको बता दिए। दूसरा जो है, अगर आप टॉप व्यू लेते हैं, अगर आप क्या ले रहे थे, अभी ले रहे थे, जो हम ग्राउंड से ले रहे हैं, ऑन द ग्राउंड या फिर नियर द ग्राउंड आप ले रहे हैं, तो उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल सर्वे बोलते हैं। और अगर आप टॉप से अगर फोटो खींचते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल सर्वे बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल सर्वे बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एरियल सर्वे के बारे में बात करेंगे। और एरियल सर्वे कैसे करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, किसी फील्ड का आपको सर्वे करना है, और आप उस फील्ड के ऊपर क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट को मूव करते हैं, एयरक्राफ्ट में कैमरा माउंटेड होता है, और कैमरा से वो क्या करते हैं, उस ग्राउंड का अगर हम फोटो खींचते हैं, उसका फोटो खींचने के बाद उसका स्टडी करते हैं, उसके ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं, और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, मैप प्रिपेयर करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल सर्वे बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग डिफिनीशन पे, एरियल सर्वे होता क्या है। तो अभी हम लोग बात किए एरियल सर्वे क्या है। एरियल सर्वे इज ब्रांच ऑफ सर्वे वेयर इन फोटोग्राफ्स आर टेकन बाय द कैमरा माउंटेड ऑन द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द एरिया। जिस एरिया का आपको सर्वे करना है, उसके ऊपर क्या करना है, आपको एयरक्राफ्ट को उड़ाना है, और उस एयरक्राफ्ट में क्या लगा होगा, कैमरा लगा होगा, उससे वो क्या करेगा, फोटो क्लिक करेगा, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, बाद में स्टडी करते हैं, जिसके लिए आपका जो भी जिस टाइप का भी आपको मैप प्रिपेयर करना है, उन फोटोग्राफ से क्या किया जाता है, मैप प्रिपेयर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एक फिगर है जो आप लोग फिगर थोड़ा सा देख सकते हैं। फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं, फिगर में एक ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। एयरक्राफ्ट का जो व्यू है ये क्या बन रहा है, ये उसका एक कवरेज ऑफ सिंगल फोटोग्राफ है।
जो पहला जो ले रहा है उसका क्या बन रहा है, कवरेज बन रहा है, मतलब जितना वो एरिया कवर करेगा सिंगल क्लिक में, जो फोटो खींचेगा तो सिंगल क्लिक में जो जो कवर बनेगा उसको हम लोग ये दिखा रहे हैं, ये क्या है, कवरेज ऑफ सिंगल फोटोग्राफ। और ये जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ व्यू बोलते हैं। तो ये था हमारा एरियल सर्वे का डिफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि एरियल सर्वे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारे इसमें टर्म्स आएंगे जो हम लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जिससे आपको एरियल सर्वे और भी अच्छे से समझ में आएगा कि एरियल सर्वे में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, किस टाइप से हम लोग एरियल सर्वे को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे और हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि क्या है। सो एरियल सर्वे मेक्स यूज ऑफ कैमरा फिटेड इन एयरक्राफ्ट टू फोटोग्राफ एन एरिया फ्रॉम एन ओवर हेड पोजिशन। ऑब्वियसली हम लोग क्या भी बात किए थे कि जो कैमरा होता है वो क्या होता है, एयरक्राफ्ट में लगा होता है और वो ओवर हेड पे होता है, मतलब टॉप व्यू से आपको क्या करेगा, ग्राउंड को क्लिक करेगा, फोटो जो खींचते हैं हम लोग ऊपर खींचते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोस्कोपिक विजन इज यूज इन अंडरस्टैंडिंग ऑन इंटरप्रेटिंग एरियल फोटोग्राफ। यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टीरियोस्कोपिक विजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम लोग अच्छे से पहले भी यहाँ पे समझते हैं कि स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है। स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है, जब आप एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं। और जिसका कारण है, जिससे कि हम लोग क्या देख पाते हैं, 3D देख पाते हैं। स्टीरियोस्कोपिक विजन का परफेक्ट एग्जाम्पल बोले तो वो क्या होता है, वो आपका आई है। क्या है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है आई। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पोजिशन से, दो कैमरा जो है हमारा आई, ये क्या है, कैमरे की तरह काम करता है और वो क्या करता है, एक एक लेवल पे दो जगह से किसी एक ऑब्जेक्ट को देखता है, जिसके कारण आपको क्या दिखाई देता है, आपको क्या दिखाई देता है, 3D दिखाई पड़ता है। क्योंकि अब 3D दिखाई पड़ने का कारण क्या होता है, एक्चुअली जो हम लोग देखते हैं वो ओवरलैप्ड पोर्शन देखते हैं, जिसके कारण आपको क्या दिखाई देता है, 3D दिखाई देता है। ओवरलैप्ड पोर्शन कैसे, अगर आप समझना चाहें तो आप क्या कीजिए, एक आंख को क्लोज कर लीजिए और एक आंख को ओपन रखिए, तो आप देखेंगे कि एक सर्टेन एरिया आपका बन जाएगा। मतलब आप सपोज कीजिए कि एक आंख बंद किए हैं तो आपको कुछ इतना पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। इस आंख को अगर आप क्लोज किए हुए हैं तो आपको इतना पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर आप इस आईज को ओपन कर लेते हैं तो आपको फिर क्या दिखता है, ये पोर्शन दिखता है, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका कौन सा पोर्शन बन गया, ओवरलैप पोर्शन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं। स्टीरियोस्कोपिक विजन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी डिफरेंट पोजीशन से, दो डिफरेंट पोजीशन से देखने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं। जिसमें कि क्या होता है, वहां पे ऑब्जेक्ट दो बार क्लिक होता है और उसका क्या बनता है, ओवरलैप्ड पोर्शन बनता है, और जिससे कि हम लोग क्या कर पाते हैं, 3D को देख पाते हैं। तो इसी मैकेनिज्म और इसी प्रिंसिपल को कौन यूज करता है, एरियल सर्वे यूज करता है। तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है। Therefore, overlapping photographs are taken in the direction of light as well in the lateral direction as the aircraft flying along the parallel path. तो जैसा कि हम लोग बोले, स्टीरियोस्कोपिक विजन में क्या होता है, ओवरलैपिंग फोटोग्राफ्स आप क्या करेंगे, खींच पाएंगे। स्टीरियोस्कोपिक विजन में अभी हम बताए थे, जो हमारा परफेक्ट एग्जांपल है वो क्या है, आई है। वो क्या करता है, आपका ओवरलैप पोर्शन को क्या करता है, फोटो खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फोटो खींचेंगे, ओवरलैप्ड पोर्शन फोटो खींचेंगे। ये बोल रहा है कि जो एयरक्राफ्ट होगा वो दोनों डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन साथ साथ लैटरल डायरेक्शन दोनों साइड में क्या करेगा, ओवरलैप फोटोग्राफ खींचेगा, फ्लाइंग अलोंग अ पैरेलल पाथ, फ्लाइंग अलोंग द पैरेलल पाथ। ऐसे इसको हम लोग फ्लाइट प्लानिंग में बहुत अच्छे से समझेंगे। आगे इसमें टॉपिक है फ्लाइट प्लानिंग के बारे में, जहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ओवरलैपिंग क्या होता है, लैटरल ओवरलैपिंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग क्या होता है। बट यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हम बताना चाहेंगे। ओवरव्यू ये है कि पहले यहाँ तो बोला पैरेलल पाथ, तो कहने का मतलब है कि सपोज आपको किसी एरिया को आपको सर्वे करना है, सपोज ये आपका एरिया है सर्वे के लिए, और कोई एयरक्राफ्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, तो एयरक्राफ्ट है आपका कोई साइकिल या छोटा गाड़ी तो नहीं है कि वो ऐसे जाके ऐसे ऐसे किसी भी तरह से घूम सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो एयरक्राफ्ट का एक प्रॉपर प्लानिंग होता है कि वो अगर स्टार्ट होगा तो पूरे एक साइड एरिया को पूरे कवर करेगा, और उसके बाद टर्न होके फिर से एक एरिया को पूरे कवर करेगा, फिर थोड़ा सा टर्न होगा, फिर पूरे एरिया को कवर करेगा, फिर टर्न होगा, फिर एक पूरे एरिया को कवर करेगा, फाइनली इस पूरे एरिया को क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा। तो ये जो प्लानिंग है इसको हम लोग फ्लाइट प्लानिंग बोलते हैं। इसको हम लोग आगे भी अच्छे तरीके से देखेंगे, बट यहाँ पे हम केवल समझना चाह रहे हैं ओवरलैपिंग के बारे में। अब जैसे अगर एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो वो फोटोग्राफ कुछ इस टाइप से खींचेगा। तो यहाँ पे जो फोटो खींचते हैं, तो ये फर्स्ट सिंगल फोटोग्राफ हुआ, दूसरा जो फोटो होगा इसमें ओवरलैप्ड करके खींचते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, आपका ओवरलैप पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, ओवरलैप पोर्शन क्या हो रहा है, ये ओवरलैप पोर्शन करते हुए हम लोग क्या किए, पूरे को कवर कर लिए।
जब ये यहाँ से रिटर्न होगा, जब इधर का जो फोटो खींचेंगे तो इसमें जो ये ओवरलैप्ड है यहाँ पे जो फोटो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि ये जो ओवरलैप्ड हो रहा है, ये जो पोर्शन ओवरलैप्ड हो रहा है, यहाँ पे जो ओवरलैप्ड हो रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ जो ओवरलैप्ड हो रहा है पोर्शन, ये आपका ओवरलैपिंग पोर्शन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल ओवरलैप बोलते हैं, और इसको या साइड ओवरलैप बोलते हैं, और ये जो ओवरलैप था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा था कि जब आप ओवरलैपिंग स्टीरियोस्कोपिक विजन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करेंगे। अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो फ्लाइट प्लानिंग में दो ओवरलैप होगा, क्योंकि जो फ्लाइट है वो क्या होता है, पैरेलल पाथ, यही है इसका पैरेलल पाथ, ये और ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल पाथ है। तो ये जो पैरेलल पाथ है इसमें ये दोनों क्या कर रहे हैं कि पैरेलल पाथ में मूव करते हुए ओवरलैप्ड फोटोग्राफ कर रहे हैं। ये जो अपने डायरेक्शन में जाएगा इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप बोलते हैं, और जब रिटर्निंग में जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये कौन सा ओवरलैप कहलाएगा, यहाँ जो फोटो खींचता जा रहा है तो ये जो ओवरलैप आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड ओवरलैप या फिर लैटरल ओवरलैप बोलते हैं। तो यही आपका यहाँ पे बोल रहा था, तो ये आप लोग को होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट व्हाइल अ मैप इज एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बाय प्रोजेक्टिंग पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, ए फोटोग्राफ इज अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एज ऑल द इमेज पास थ्रू ए पॉइंट। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, पहला तो है एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और एक है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दो प्रोजेक्शन के बारे में यहाँ बोला है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट व्हाइल अ मैप इज एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्या बोल रहा है कि आपको समझना जरूरी है कि जो हमारा मैप होता है वो क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, 3D व्यू को, क्या बोल रहे हैं, 3D व्यू को 2D में देखना, 2D में देखना क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाता है। क्या होता है 3D को 2D में देखना, अगर आपको हम बोले कि आप ऊपर से नीचे देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, टॉप व्यू दिखेगा, और टॉप व्यू दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा, 3D दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा। बट जब आप फोटो खींचेंगे तो फोटो में क्या आएगा, वो 2D आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ यही बोल रहा है कि जो मैप प्रिपेयर होगा, जो मैप बनता है वो क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता है। तो वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, बाय प्रोजेक्टिंग पॉइंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ए फोटोग्राफ इज अ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑल द इमेज पास थ्रू द सेम पॉइंट। प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है कि जब जब रेज जो लाइट कैमरा से निकलती है तो वो जब ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, तो जब वो ऑब्जेक्ट पे टकराएगी और फिर ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर कैमरा के पास जाती है, तो ये दोनों टाइम में वो किसी एक ही पॉइंट से होकर जाती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव पॉइंट बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसको हम एक बार फिगर से समझते हैं, पर्सपेक्टिव पोजीशन क्या होता है, सपोज ये कैमरा है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से जब लाइट आती है, रेज निकलती है, तो ये रेज क्या होती है, एक जगह मर्ज हो जाती है, कैमरे से निकल के यहाँ क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, और इस पॉइंट से फिर ये क्या करती है, निकल के ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर यहाँ से रिटर्निंग में इसी पॉइंट से होते हुए कहाँ चली जाती है, इस पॉइंट से ही होके सारे रेज नीचे आते हैं, ऑब्जेक्ट तक जाती हैं, और फिर यहीं से पॉइंट होके इसी पॉइंट से, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव पॉइंट बोलते हैं, और इस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। एरियल सर्वे इंक्लूड द रिकॉग्नाइजेंस ऑफ एरिया, स्टेबिलिटी, सेटिंग ग्राउंड कंट्रोल, फ्लाइट प्लानिंग, फोटोग्राफी एंड देन पेपर वर्क इंक्लूडिंग द कंप्यूटेशन एंड प्लॉटिंग। एरियल सर्वे क्या करता है, पहले रिकॉग्नाइजेशन करना होगा, रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, किसी भी ग्राउंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। आप एरियल सर्वे करने के पहले, एरियल सर्वे एक बहुत बड़ा सर्वे होता है, वहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट को मूव करना है, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे जाके पहले आपको देखना होगा कि एरिया कैसा है, आप वहाँ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आएंगी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक बार विजिट करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइजेंस ऑफ एरिया। फिर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ग्राउंड कंट्रोल करते हैं, स्टेबिलिटी, सेटिंग आउट द ग्राउंड कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोल हम अलग अलग बैठाते हैं। फिर आप लोग फ्लाइट प्लानिंग करते हैं, जो अभी हम लोग देखे थे, पैरेलल होता है, पैरेलल लाइंस बिछाते हैं कि किस साइड से आपको फ्लाइट को टेक ऑफ करना है, कहाँ से वो मूव करेगा, कहाँ से किस लाइन से होते हुए वो एक उसका पाथ डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट प्लानिंग। उसके बाद एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं, और एयरक्राफ्ट से उसी फ्लाइट प्लानिंग पे हम लोग एयरक्राफ्ट को मूव करते हैं, साथ में क्या करते हैं, स्टेशन होता है, एक्सपोजर स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग फोटो खींचते हैं, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, फोटो खींचते जाएंगे और फोटोग्राफी होगा। उसके बाद क्या होगा, सारे फोटोग्राफ्स को क्या किया जाता है, हार्ड कॉपी निकाला जाता है, और उसका फिर से स्टडी करके क्या करते हैं, हम लोग मैप को प्लॉट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरियल सर्वे, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल सर्वे बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू एरियल सर्वे, क्योंकि एरियल सर्वे में जैसे अभी हम लोग बहुत सारे टर्म्स के बारे में बात किए,
तो ये सब टर्म अगर आपको नहीं पता है तो आपको एरियल सर्वे समझने में बहुत मुश्किल होंगे, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू एरियल सर्वे।